आरसीबी के हाथ लग गए ऐसे चार हथियार जो बनाएंगे चैंपियन इस बार। वो चार सुपरस्टार जिन्होंने अभी से विरोधी टीमों में मचा दिया है हाहाकार। इस बार या तो आर या तो पार, अभी से तय है आरसीबी ही उठाएगी आईपीएल की ट्रॉफी इस बार। जी अभी तो आईपीएल ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है कि आरसीबी के हाथ चार सुपरस्टार लग गए हैं, चार ऐसे हथियार लग गए हैं जो इस बार आरसीबी को चैंपियन जरूर बनाएंगे। इन्होंने अभी से ही जीत की स्क्रिप्ट लिख दी है और इसी वजह से विरोधियों में हाहाकार मच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आरसीबी कई बार फाइनल में तो पहुंची है लेकिन अभी तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई। हालांकि इस बार जैसे ही महिला आईपीएल में आरसीबी की टीम ने खिताब हासिल किया, उसने विराट एंड टीम पर भी आईपीएल ट्रॉफी जीतने का दबाव बढ़ा दिया है। आरसीबी को इस आईपीएल का अपना पहला मैच पहले ही दिन सीएसके के होम ग्राउंड पर खेलना है, जिसके लिए आरसीबी की टीम पूरी तरह से तैयार है और विराट कोहली के टीम से जुड़ने के बाद आरसीबी का जोश सातवें आसमान पर है। ऐसे में कौन कौन से खिलाड़ी आरसीबी के पास हैं जो कि खूंखार हथियार हैं, एक एक करके हम आपको उनके बारे में बताते हैं। देखिए आरसीबी की बात जब भी की जाएगी सबसे पहले नाम आएगा विराट कोहली का, क्योंकि विराट कोहली ही आरसीबी के सबसे बड़े हथियार हैं, सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विराट कोहली का आईपीएल करियर भी बहुत शानदार है। 237 मैचों में विराट कोहली 7,263 रन ठोक चुके हैं, जिसमें 7 शतक शामिल हैं, 50 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान विराट कोहली का बेस्ट 113 रन रहा है। ये आंकड़ा अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अगर विराट कोहली इस आईपीएल में 2016 वाले आईपीएल का कमाल दोहरा देते हैं और 900 से ज्यादा रन ठोक देते हैं तो तय है कि इस बार आरसीबी को ट्रॉफी उठाने से कोई माई कलाल नहीं रोक सकता। कोहली के बाद आरसीबी के दूसरे हथियार हैं कप्तान फाफ डुप्लेसिस। डुप्लेसिस जिनको बहुत सारी ट्रॉफीज जीतने का अनुभव रहा है, वो दुनिया भर की अलग अलग लीग खेलते रहते हैं, यहाँ तक कि अब आईपीएल का भी उनका अनुभव बहुत ऊपर हो चुका है। आईपीएल में अब तक डुप्लेसिस 130 मैच खेल चुके हैं, जिसमें लगभग 37 के शानदार औसत के साथ 4,133 रन ठोके हैं। इस दौरान उन्होंने 33 अर्धशतक लगाए हैं। अगर फाफ डुप्लेसिस इस आईपीएल में अपने बल्ले से जौहर दिखा देते हैं तो तय है कि आरसीबी इस बार चैंपियन बनेगी। डुप्लेसिस के बाद आरसीबी के तीसरे हथियार हैं ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल न सिर्फ ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं बल्कि अपनी उंगली के जादू से बल्लेबाजों को नचा भी देते हैं और कई मैच तो अपनी बॉलिंग से जिता देते हैं। मैक्सवेल का आईपीएल करियर भी बहुत शानदार रहा है। 124 मैच अब तक मैक्सवेल आईपीएल में खेल चुके हैं, जिसमें 2,719 रन ठोक चुके हैं। मैक्सवेल का बेस्ट स्कोर रहा है 95 रन। बड़ी बात यह है कि मैक्सवेल लगभग 160 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हैं और वो अब तक आईपीएल में 1,850 भी लगा चुके हैं। अगर आरसीबी को इस बार चैंपियन बनना है तो मैक्सवेल से वैसे ही परफॉर्मेंस निकलवानी होगी जो मैक्सवेल ने अपने देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप में दिया था। अगर वैसा परफॉर्मेंस मैक्सवेल ने आईपीएल में कर दिया तो कोई माइकल आल आरसीबी को ट्रॉफी उठाने से नहीं रोक सकता। और मैक्सवेल के बाद अब चौथे हथियार हैं कैमरून ग्रीन। वही कैमरून ग्रीन जो अभी तक मुंबई इंडियंस का हथियार हुआ करते थे, लेकिन मुंबई इंडियंस से कैमरून ग्रीन जैसे शानदार ऑलराउंडर को आरसीबी ने ट्रेड कर लिया है। कैमरून ग्रीन न सिर्फ विस्फोटक बल्लेबाज हैं बल्कि शानदार गेंदबाजी भी करते हैं। कैमरून ग्रीन ने आईपीएल में अब तक 16 मैच खेले हैं, जिसमें 50 की बहुत शानदार औसत के साथ 452 रन ठोके हैं। इस दौरान उनका बेस्ट रहा है 100 रन और स्ट्राइक रेट रहा है तूफानी 160। अगर ये ऑलराउंडर इस आईपीएल में चल गया तो बड़े बड़ों की धज्जियां उड़ा देगा और आरसीबी को पहली बार आईपीएल जिता देगा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।